एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर साड़ी हॉल। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे साड़ी हॉल शेयर किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी साड़ी हॉल के, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट रेडी कर ली है साड़ी हॉल की, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप साड़ीज़ वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं या आपको अच्छे लगते हैं पहनने, तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सिमसिम पार्टी वेयर साड़ी हॉल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड या जो भी प्राइसिंग डिटेल्स है वो स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगी। एंड ट्राई ऑन हॉल होने वाला है तो मैं वे करके बता दूंगी, एंड जो क्लोथिंग मटेरियल है सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी वीडियो में साथ साथ में। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो साड़ी है गाइस वो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। एंड ये ब्लड रेड कलर की साड़ी है। जब भी पार्टी वेयर साड़ी की बात आती है तो रेड कलर एंड ब्लैक कलर बहुत कॉमन होता है, जो कि पार्टी एंड ओकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साड़ीज में भी आप इसी तरीके की एकदम सिंपल प्लेन रेड या ब्लैक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो ये एकदम पूरा रेड कलर में है एंड ये पूरी प्लेन साड़ी है। मटेरियल इसका जॉर्जेट है एंड लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी जो लेंथ है गाइस वो है 5.5 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ है। कलर इसका रेड है एंड बॉर्डर आपको मिल जाता है इस तरीके का गोल्डन एंड थ्रेड वर्क में बॉर्डर मिल जाता है। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉर्डर की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, पतला सा आपको बॉर्डर मिलता है। एंड आंचल है ये वाला। एंड आप देख सकते हैं जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है एंड रेड कलर में। तो यार रेड वैसे ही पहनने के बाद बहुत अच्छा एंड बहुत ग्रेसफुल लगता है। पहनने के बाद आप कोई भी वेयर करते बहुत अच्छा लगता है। सो बॉर्डर आपको इस तरीके का पूरी साड़ी में मिल जाता है। इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी सेम ही मिलता है। सो यहाँ पे साड़ी आपकी ख़त्म हो जाती है, यहाँ से आपको ब्लाउज़ जो पीस होता है उसको कट करना होता है। तो ब्लाउज़ पीस के लिए आपको सेम ही बॉर्डर वाला कपड़ा मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। ब्लाउज़ पीस अलग कर दीजिए एंड ये साड़ी पूरी की पूरी प्लेन है। पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देती है। एंड ज्वेलरीज कैरी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड पार्टी ओकेशन के लिए रेड तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वर्क है इसका इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, लाइक करता नहीं है इतना हाईलाइट। बॉर्डर भी बहुत ही सिंपल गोल्डन वर्क में है एंड इसी के साथ में आपको हल्का सा थ्रेड वर्क भी मिल जाता है। तो इस वजह से ये साड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड वेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। सो डेफिनेटली आप ये वाली साड़ी ट्राई कर सकते हैं। जॉर्जेट है एंड अच्छा लगता है, वेयर करने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड साथ साथ में आपको इसमें कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो साड़ी है गाइस ये सैटिन साड़ी है। अभी सैटिन जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, चाहे आप लहंगा ले लीजिए या फिर सूट मटेरियल ले लीजिए, उसमें सैटिन बहुत चल रहा है। साड़ीज़ भी बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। सैटिन साड़ीज़ में अभी सबसे ज़्यादा प्लेन चल रहा है, तो मैंने भी यही वाला प्लेन साड़ी ली है। सैटिन में अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसमें आपको कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक, गोल्डन एंड साथ साथ में आई थिंक सिल्वर भी निकला था। बहुत ही अच्छा सा कलर लेते हैं जो कि मरून कलर है। पिंक भी बहुत अच्छा लगता है, पिंक भी ट्राई कर सकते हैं। सो इस साड़ी में ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। मटेरियल इसका सैटिन है एंड इसकी जो लेंथ है गाइस वो 5.5 मीटर। साड़ी आपको पूरी प्लेन मिलती है जो कि कुछ इस तरीके की है। शाइनी होती है तो इसके अकॉर्डिंग आप एक्सेसरीज कैरी लाइक कैरी कर सकते हैं। एंड चाहे तो आप ब्लाउज़ जो है उसको बहुत अच्छा लाइक स्टिच करवाइए, बहुत डिज़ाइनर स्टिच करवाइए, जिससे जो ब्लाउज़ है एंड जो साड़ी है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ जाए। सो ये कुछ इसी तरीके की प्लेन साड़ी है, मरून कलर है, बट ये आपको थोड़ा सा रेडिश लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा रेड लग रहा होगा, बट ये इतना ज़्यादा रेड नहीं लग रहा है जितना मुझे कैमरे में दिख रहा है। बट ये पूरी मरून साड़ी है एंड साड़ी देख सकते हो पूरी आपको प्लेन इसी तरीके की, पूरा ऐसा लग रहा है सैटिन का पूरा कपड़ा है वैसा ही आपको पूरा ये मिल जाता है। एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड सुपर शाइनी है, लाइक सुपर शाइनी। एंड इस तरीके से जो है आप पार्टीज़ के लिए इस तरीके की साड़ीज़ अगर कैरी करते हैं तो फुल ऑन पार्टी वेयर लुक देता है। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको ब्लाउज़ पीस मिल जाता है इस तरीके का गोल्डन में। मैं साड़ी को पहले हटा देती हूँ। सो इस तरीके का आपको गोल्डन में ये ब्लाउज़ पीस रिसीव हो जाता है। मुझे ये ब्लाउज़ पीस इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने इसे जो मरून साड़ी इसको ब्लैक कलर के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया था, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, पार्टी वेयर और ज़्यादा लग रहा था। बट हाँ, अगर आप इसको स्टिच करवाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी ये अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो आप गोल्डन में है।
जो बेस कलर है वो थोड़ा सा मैट गोल्डन है, इसके ऊपर आपको मिल जाता है इतने सुंदर सुंदर से आपको थोड़े से प्रिंट मिल जाते हैं गोल्डन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टिच करवाइए एंड इसके साथ आप पे कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो साड़ी है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यही ब्लाउज पीस को पे कीजिए, इस साड़ी के साथ आप किसी भी तरीके की ब्लाउज को पे कर सकते हैं, सिल्वर गोल्डन कुछ भी हो, एंड ब्लैक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साड़ी बहुत प्लेन होती है ना, तो उसको आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो यार नेक्स्ट साड़ी ये है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये वेयर करने के बाद एकदम पार्टी वेयर एंड बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ज़्यादा रॉयल लुक देता है। सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो साड़ी है गाइस वो बनारसी पैटर्न साड़ी है। मैंने दो साड़ी जो अभी आपको बताई है वो फुल ऑन पार्टी वेयर साड़ी है। अगर आप ऐसे नॉर्मल लाइक नाइट पार्टीज़ के लिए भी ट्राई करते तो अच्छा लगेगा। ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल वेयर पार्टी वेयर हो जाता है, लाइक ट्रेडिशनल वेयर पार्टी वेयर, ओके ट्रेडिशनल पार्टी वेयर हो जाता है, ऐसे होगा कुछ, ओके। सो इसे आप शादी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं, साथ साथ में रिसेप्शन पार्टीज़ में या फिर आप नॉर्मल पार्टीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। आप मम्मी के लिए भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसे मैं ओपन करके आपको बता देती हूँ। इसका जो कलर है एंड इसका जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये बनारसी पैटर्न साड़ी जैसे मैंने आपको बता दिया था। मटेरियल इसका कॉटन ब्लेंड है एंड साथ साथ में आपको इसमें मिल जाता है गोल्डन वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा इसमें गोल्डन का काम किया गया है। सो फर्स्ट हम इसके बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। इसका बॉर्डर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा मिलता है, आप देख सकते हैं, एंड साथ साथ में आपको यहाँ पे जो पान लीफ डिज़ाइन बोलते हैं उस तरीके का आपको ये डिज़ाइन मिलता है साथ साथ में, एंड फुल ऑन गोल्डन बॉर्डर है एंड यही बॉर्डर पूरी साड़ी में आपको ओवरऑल मिलता है। एंड इसी के साथ में आंचल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो आप जो फ्लावर होता है उसका आपको थोड़ा सा बूटीक डिज़ाइन मिल जाता है। एंड ये जो फ्लावर है गाइस ये आपको पूरी ऑल ओवर बॉडी पे भी मिलता है, नीचे भी आपको इसी तरीके का चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है। बंगाली में इसे पार्ट बोलते हैं एंड बॉर्डर भी बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, चौड़ा पार्ट भी बोलते हैं एंड चौड़ा बॉर्डर भी बोलते हैं। तो आप अगर इस तरीके की साड़ीज पसंद करते हैं जिसमें बॉर्डर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आंचल आपको इस तरीके की गोल्डन लाइनिंग में मिलती है कुछ इस तरीके, साथ साथ में आपको यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे से गोल्डन फ्लावर मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साड़ी की अगर मैं कलर की बात करूँ, एग्जैक्ट पिंक कलर है बट इसमें आपको शेड मिल जाता है हल्का सा, यहाँ पे ग्रीन है आप देख सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पे पर्पल मिल रहा है एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पे पिंक शेड मिल रहा है एंड इसी के साथ में नीचे आपको ग्रीन एंड पर्पल शेड है जो कि धूप में हाईलाइट जैसे होता है ना वैसा बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, साड़ी का जो कलर है एंड जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ग्रीन एंड थोड़ा सा पिंक एंड थोड़ा सा पर्पल शेडेड है एंड अच्छा लगता है दिखने में। ओवरऑल आप देख सकते हैं पूरी साड़ी में आपको ये बुटीक डिज़ाइन मिल रहा है एंड जो बॉर्डर है ये पूरी साड़ी में आपको मिलती है, पूरी साड़ी में इसी के साथ में आपको सेम ब्लाउज पीस मिलता है। सेम जो बनारसी पैटर्न साड़ीज़ होती हैं उसमें गोल्डन वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड गोल्डन या फिर आपको पूरा जो कि ब्लाउज पीस है वो सेम ही मिलता है ताकि जो साड़ी का एग्जैक्ट लुक है वो बहुत अच्छा आए। तो आपको सेम कपड़े में इसी तरीके के आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो ब्लाउज है स्टिच करवा सकते हैं, ये देख सकते हो आप। तो पूरी साड़ी कितनी सुंदर सी है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, जो आप देख सकते हैं कपड़ा बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, पहनने के बाद बहुत हैवी नहीं लगेगा आपको कि आपने कितना हैवी वाली साड़ी पहन ली है। इजीली आप पार्टीज़ में कैरी कर सकते हैं, इजीली आप इसमें उठना बैठना आप जो चलना बहुत ईजी रहेगा एंड साथ साथ में कोई फंक्शन हो छोटा मोटा तो भी आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है, आप ये साड़ी ट्राई कीजिएगा गाइस। ट्रेडिशनल साड़ी है, मम्मी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, सासू माँ को गिफ्ट कर सकते हो, भाभी को गिफ्ट कर सकते हो। या आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। ये थ्री साड़ीज़ थी जो आप ट्राई कर सकते हैं पार्टीज़ एंड साथ साथ में अगर आपको नाइट पार्टीज़ के लिए ट्राई करना है तो आप रेड एंड जो मरून सैटिन साड़ी है वो ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप थोड़े से ट्रेडिशनल वेयर में थोड़ा सा पार्टी लुक चाहते हैं तो आप ये पिंक शेडेड वाला ट्राई कर सकते हैं बनारसी पैटर्न साड़ी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है पहनने के बाद एंड इसका जो बॉर्डर है एंड साथ में ऑल ओवर जो इसका वर्क है गाइस वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके परचेस लिंक मिल जाएगी, जाइए चेकआउट कीजिए एंड परचेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।